नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करेंगे रेमंड लिमिटेड की। जैसा कि आप देख रहे हैं, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे लगभग 3.5% का रेमंड ने रिटर्न दिया है। और इसके अलावा हम बात करेंगे, हमने चैनल पे आपको रेमंड सजेस्ट किया था, तब 21 मार्च को हमने सजेस्ट किया था और उस टाइम इसकी कीमत लगभग 325-330 थी। तो आप देख सकते हैं, 2 महीने के अंदर काफ़ी इस शेयर ने अच्छा खासा यहाँ पे बुलिश पैटर्न दिखाया। और अगर आप और लॉन्ग टर्म के शेयर चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अच्छे शेयर्स का कलेक्शन मिलेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रेमंड के। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेमंड के लिए क्या सपोर्ट रहने वाला और क्या नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो आप देख सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद जो रेमंड के लिए एक नया सपोर्ट बना है वो है लगभग 392.90। और इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट रेजिस्टेंस की, तो दोस्तों, जो रेमंड के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस बना है वो है 419। अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये 419 को पार करता है तो आपको आराम से 440 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट इसके लिए कुछ ट्रेडिंग सेशन लगेंगे, इतना जल्दी नहीं आपको कि कल या परसों के ट्रेडिंग सेशन में आपको ये टारगेट अचीव होता दिख जाएगा। लेकिन दोस्तों, बात करें खबर की, तो इसका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। अगर हम देखेंगे क्वार्टर फोर के रिजल्ट में, इसका रेवेन्यू बढ़ा, हालांकि प्रॉफिट में थोड़ा डिक्लाइनमेंट देखने को मिला, लेकिन इसके रेवेन्यू के अंदर काफ़ी उछाल देखने को मिला। और ड्यू टू कोविड ये शेयर काफ़ी नीचे चला गया था, अब वापस सर्वाइव कर रहा है। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में आपको एक और अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। थैंक यू दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के जरिए मैं किसी भी शेयर को खरीदने, बेचने और होल्ड करने की सलाह नहीं देता हूँ।